अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल? ठीक है, थके हुए हैं बहुत ज्यादा। हार्ट का मसला? अच्छा, हार्ट का मसला है। फिर हार्ट के मसले में तो आप इतना जोर लगा के जा रहे हैं और सांस भी इसमें तो चढ़ना हो तो बड़ा खतरनाक है। कमाने वाला नहीं है? कोई कमाने वाला नहीं है? तीन दो की शादी कर दी, एक ही करनी है। अच्छा, बेटा नहीं है? बस तीनों बेटियां ही हैं? अच्छा अच्छा, सही सही। तो ये कब से काम कर रहे हैं अंकल आप? 16 साल से यही काम कर रहे हैं। तो इससे बन जाता है? कभी होता, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। काफी ज्यादा थके हुए हैं। कोई पानी वगैरह नहीं है अंकल आपके पास पीने के लिए? पानी है? रो क्यों रहे हैं आप अंकल? अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला ऐसे नहीं छोड़ते हैं अपने बंदों को। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला जरूर बनाते हैं। नहीं अंकल, आप ना रोए, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे आप रो रहे हैं। आप हमारे बड़े हैं। बीमार हो ना? हाँ जी अंकल, बीमार हो ना? हाँ जी बीमार है। वही तो, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है आपको देख के। मैं देख रही थी आप बहुत मुश्किल से इसको ना चला चला के आ रहे थे। जब मैं तंदुरुस्त था ना, दोनों बेटियां भी आई मैंने। अच्छा, ये हार्ट का मसला फिर कब हुआ अंकल? एक साल से। अच्छा, कितना बन जाता अंकल रोज का? कभी 400, कभी 500, कभी 300, कभी 600। अच्छा, तो किधर से आते हैं अंकल आप? मैं झूला खड़ा करता हूँ स्टैंड पे, रिक्शा वाले जी आता हूँ मैं, वो यूसुफाबाद। अच्छा अच्छा, 7 नंबर गली बिलाल मस्जिद के सामने। बिलाल मस्जिद के सामने? अच्छा अच्छा, वहाँ से आते हैं। सही सही। तो फिर आते किस तरह, बाइक वगैरह पे, वो रिक्शे पे, पैदल? नजदीक है, दूर नहीं है। अच्छा, नजदीक से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। तो फिर अपना घर है अंकल किराए का? तो फिर कैसे इससे पूरा होता है, खाना वगैरह, किराया भी देना, सब कुछ कैसे पूरा होता है? अल्लाह मालूम। आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप बच्चे को झूले कैसे देते हैं? खड़े रहते हैं, बच्चे खुद ही चलाते हैं। खड़े रहते हैं? अच्छा, बच्चे वो उसे खुद ही घुमा के चला लेते हैं। लेकिन आप जिस तरह जोर लगा के आप आते हैं, ये तो बहुत आपके लिए। 4 महीने पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा अच्छा, इस टांग से जोर लगाता हूँ, इस पे नहीं लगाता, दर्द होती है ना। अच्छा, ये हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है? हाँ जी, टांग के लगे हुए थे, मैं काम पे आया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, बिल्कुल अंकल सही बात है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे अंकल। कुछ खाया भी आपने, खाना वगैरह खाया? अच्छा सही। तो अब घर कब जाएंगे? घर जा रहे हैं। तो फिर खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं? घर से खाएंगे। अभी सुबह का खाया, अब शाम में जाके खाएंगे। अच्छा, तो भूख वगैरह नहीं लगती? पानी भी नहीं आपने अपने पास कोई रखा हुआ है? आज दिहाड़ी लगी है, कुछ लिए लोग झूले वगैरह बच्चों ने? 390 रुपए बने हैं। अच्छा, ये अंकल, ये नहीं नहीं अंकल, बात सुने, मैं बेटी हूँ आपकी, ठीक है? बेटी की तरफ से है ये आपके पैसे हैं, ठीक है? आप समझे कि आपकी दिहाड़ी लग गई है, अब आपने घर जाना है। अब आपने ना मगरिब तक काम नहीं करना, ठीक है? हाँ, बस आपने ना घर जाना है अंकल। और ये अंकल, ये पैसे हैं बेटी की तरफ, आपके हार्ट का मसला है ना, आप इसके लिए कोई दवाई वगैरह अपने लिए लाजमी घर लेके जाएं। ठीक है, बस सर पे प्यार दे दें अंकल। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। चलें, ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी और मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर बात करनी चाहिए है कि ये जो बाबा जी थे, आप लोगों ने देखे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे, और वो शायद हम वीडियो में भी ना रिकॉर्ड कर सके हों जैसी उनकी हालत थी। वो बहुत मुश्किल से अपना वो जो झूला है वो घसीट घसीट के लेके जा रहे थे, और उनको सांस का प्रॉब्लम था, और वो इतना ज़्यादा उनके लिए वो काम डेंजरस है कि अल्लाह ना करे कि उनको कुछ भी हो सकता है। और फिर उन्होंने वहाँ पे बैठ के पहले सांस लिया, फिर उन्होंने उसके बाद हमारे साथ बात की कि उनमें बात करने की भी उनमें हिम्मत नहीं आ रही थी। तो हम बच्चियाँ हैं, हम लड़कियाँ, हमें नहीं पता हमारे वालिद जो हैं वो किस तरह बाहर निकल के हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ऐसे लोगों को देखा करें, आप बिला ज़रूरत ऐसे लोगों की जो सफ़ेद पोश होते हैं, इस तरह के लोगों की आप बिला ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के लोगों की मदद किया करें, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो अपना इसी तरह ही मेहनत करके, चाहे उनसे ना भी हो, वो चाहे थोड़ा कमा ले, इसी तरह ही करके वो अपनी मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि हम ऐसे लोगों की, जो मुस्तहिक लोग हैं, इस तरह के लोगों तक पहुँचें और उनकी मदद कर सकें। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।